वेलकम फ्रेंड्स, इफ यू कैन थिंक देन यू कैन डू। जी बिल्कुल, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आज हम लेकर के उपस्थित हैं क्लास 8 की मैथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट 1.2, जिसको आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए थे इसी पर आधारित, जैसे पिछले क्लास में आपने देखा था। तो सुजल और प्रियांशु, रविकांत, आरती और अंजना भरद्वाज ने इस क्वेश्चन को किया था, जो मैं टॉप में नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सभी 8 क्लास के सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो कंपेयरिंग द फॉलोइंग नंबर, आप लोग जानते होंगे नंबर का कंपेयर करना। अगर दो लड़के हैं आपस में हैं तो आप कंपेयर कर लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। हमने ये आपको दिखाया दो मार्कर, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब आप कहोगे कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों सिमिलर है। लेकिन अगर हमने ऐसे कर दिया, बताओ भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है ये, तो आप कहोगे ब्लैक वाला बड़ा है और ब्लू वाला छोटा है। ऐसे कर दिया तो अब ब्लू वाला जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, ब्लैक वाला छोटा हो गया। ये कंपेयरिंग है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं इसमें कोई ऐसा चीज ले लूं कि ये इंक और ये मार्कर में कौन बड़ा है कौन छोटा है कंपेयर करिए, तो आप कहेंगे पेन जो है वो बड़ी है, इंक जो है छोटी है ना। ये कंपेयरिंग होता है। उस तरह से अगर हमने कहा कि 9 और 3 कंपेयर करिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, विच इज लार्जेस्ट एंड विच इज स्मॉलेस्ट, तो क्या करेंगे, ये कम है छोटा है ये बड़ा है, ये आप जानते हैं। लेकिन समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हो। इसमें तो दिखता ही नहीं है कि क्या है, जैसे धुंधला रहे आपकी आंखों के सामने और आपसे पूछा जाए कि कौन खड़ा है तो क्या बताओगे। जब तक आप उसे देख नहीं पाओगे तब तक आप पहचान नहीं पाओगे, है ना। तो पहले इसको हमको देखना है रियल में है क्या ये। उसके पहले हम आपको बता दें, कोई भी नंबर अगर वो माइनस में है, निगेटिव है, तो वो हमेशा छोटी होगी, जीरो से भी छोटी होगी। जैसे अगर लिखा -3 और ये लिखा 0, अब आप बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है। तो 0 बड़ा है, विकास -3 इज लेस देन 0, है ना। 3 क्या है, लेस देन है, 0 इज ग्रेटर देन 3। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है भाई, माइनस में है, समझ के ना। आपने नंबर लाइन देखा होगा बीच में, इसमें ऑरिजिन होता है, इधर 1 होता है -2, इधर 1 2, है ना। इधर जाते हैं राइट साइड सब पॉजिटिव और लेफ्ट साइड सब निगेटिव। तो निगेटिव में कितना भी बढ़ जाए वो जीरो से हमेशा छोटा ही होगा, समझ गए। तो अगर मैंने कहा -100 और जीरो में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे जीरो बड़ा है। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 100 है ये 0 है तो ये कैसे इसको बड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब ये गलत बता रहे हैं, है ना। बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं मुझे पता है, लेकिन अगर यहाँ चिन्ह माइनस रहेगा तो ये हमेशा छोटा रहेगा, याद रखिएगा। जितनी ही गिनती बड़ी होगी माइनस में उतना ही वो छोटा होगा, समझ गए ना। जैसे आप एक अंधविश्वास या क्या बोले अंध, जैसे भी समझिए इसको, मैं क्या बोलूं। आप लोग बर्थडे मनाते हैं तो बहुत सारी खुशियां मनाते हैं, है ना, उसको आप पॉजिटिव वे में देखते हैं। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो बर्थडे का मतलब क्या होता है, एक दिन जितने दिन आपकी आयु है उससे एक दिन आज कम हो गया, मतलब सॉरी एक साल कम हो गया। जैसे अगर कोई अभी 5 जुलाई को बर्थडे था, जैसे कि हमारा ही, तो आप कहते हैं कि बहुत सारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बहुत लोग, बहुत खुशियां मनाते हैं, आज हम 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, है ना। लेकिन होता क्या है, अगर आपकी एज जो है इस समय एवरेज में 60 साल की है एवरेज में, तो आप क्या हुए 60 में से अगर 20 साल के हो गए, इसका मतलब अब आपको मात्र 40 साल एवरेज रहे, है ना। तो यानी कि कम होता है, बढ़ता नहीं है। उसी तरह से ये क्या होता है, जितना ही ज्यादा माइनस होता है उतना ही ज्यादा वो गिनती क्या होती है, छोटी होती है। अगर हम कंपेयर करें -9 और 3 में, आप बताइए कौन बड़ा है। 3 बड़ा है, -9 छोटा है, क्योंकि ये निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो ये साइन इधर को आ जाता, समझ गए ना। तो ये तो सिंपल वे थे जो कि आपने समझ लिए। अब थोड़ा डिफिकल्ट वे पे हम चलते हैं, इन नंबर को कैसे करेंगे। इसमें आप समझ गए होंगे जो ज्यादा निगेटिव है, जितना ज्यादा बड़ा है उतना ज्यादा छोटा है। तो इसमें आप कंपेयर करोगे कि -7 इज लेस देन -2, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें अगर कंपेयर करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये माइनस लगा है, अगर निगेटिव लगा है तो ये जीरो से छोटा है, बस बाकी कुछ नहीं करना है।
तो जीरो इज ग्रेटर देन माइनस नाइन अपॉन फाइव, ये इसका आंसर हो गया, चूंकि उसके निगेटिव लगा है इसमें, बस माइनस का लगा है इस वजह से गड़बड़ है। लेकिन इसमें देखो तो दोनों में माइनस है, अब ये लफड़ा फंसता है, इसको कैसे समझेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसका एक आसान तरीका ये होता है, दोनों का डेनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, फिर आप समझ जाओगे। ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक छोटा से आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, सवाल पर मत जाइएगा, सवाल तो आप कर ले जाएंगे, अगर खुद से समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसमें आपको करना क्या है, मतलब समझिए, यहाँ पर जैसे हमने आपसे पूछा कि थ्री अपान सेवन और फाइव अपान टू, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अभी तो हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने कहा कि एक बटा चार और एक बटा तीन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो भी नहीं अनुमान लगा सकते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सात बटा तीन और एक बटा तीन, अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप जान जाओगे। क्यों? क्योंकि एक चॉकलेट है, तीन बच्चों को बांटना है, और इसमें सात चॉकलेट है, तीन बच्चों को बांटना है, तो किसमें ज्यादा ज्यादा मिलेगा, इसको तो आप लोग जानते होंगे, चॉकलेट टॉफी बिस्किट कुछ भी चीज खाने की चीजें सभी जानते हैं ना, तो भाई ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ज्यादा मिलेगा, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये बड़ा है, सीधा हिसाब था, है ना। मतलब अगर एक में तीन लोग लोगे तो उसी में हाफ का हाफ होगा, अगर सात है तीन लोग लोगे तो दो से ज्यादा मिलेगा, है ना। एक दूसरा तरीका का सवाल देखिए, देखिए क्वेश्चन जो मेन है उसको हम करेंगे, लेकिन आपको इतना भर देंगे अंदर से कि आप उसको देख के खुद कर ले जाओगे। देखिए जैसे अगर 4/7 है और ये है 4/3, अब उसका थोड़ा उल्टा हो गया, इसमें ऊपर के नंबर बराबर हो गए, नीचे के गड़बड़, वैसे इसको भी ले लीजिए। चार चॉकलेट में 7 स्टूडेंट को बांटना है और चार में ही आपको 3 को बांटना है, तो किसमें आप ज्यादा ज्यादा बांटोगे स्टूडेंट्स को, जब चार होगा 7 को बांटोगे तब, या जब 4 में 3 को बांटोगे तब। भाई ज्यादा अगर स्टूडेंट रहेंगे तो कम हो जाएगा जो मटेरियल रहेगा, यानी इसमें क्या होगा ज्यादा ज्यादा मिलेगा, यानी 4/3 इज ग्रेटर देन 4/7, है ना, समझ गए ना। तो ये तो एक आसान था, बट अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा नहीं, इसको देखिए इसमें सब अलग अलग है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, पड़ोसी की नीचे वाला नंबर देखना है, दो है ना, इसी दो से आपको इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देना है, तो 3/7 में आप ऊपर नीचे दो से गुणा करोगे तो ये 6/ हो जाएगा 14, समझ गए क्या हो गया, 6/14। अब अगर इनके पड़ोसी से इसमें ऊपर नीचे गुणा किए, तो जो इसके पड़ोसी नीचे है ना, इनसे इसमें कर दो गुणा ऊपर नीचे, तो यानी कि कुल मिलाकर के फाइनल में आपका क्या हो जाएगा, अभी मतलब समझिएगा, इसको इधर करते हैं, 5/2 दूसरे भिन्न के हर से इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 35/14। अब आपका एक नया फ्रैक्शन आ गया, आप समझ गए होगे, ये हो गया 6/14 और ये हो गया क्या 35/14। अब आप इसमें अनुमान लगा सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, भाई सिंपल सी बात है, 6 चॉकलेट है 14 बच्चों को बांटना है, 35 चॉकलेट है 14 बच्चों को बांटना है, तो किसमें ज्यादा ज्यादा बांट पाएंगे आप, या फिर आप ले लीजिए, अभी आपका इंडिपेंडेंस डे आ रहा हम सबका, उसमें लड्डू बढ़ता है स्कूल में, अगर 6 लड्डू है 14 स्टूडेंट है 14 स्टूडेंट है 6 लड्डू है तो ज्यादा मिलेगा, या फिर 35 लड्डू है 14 स्टूडेंट है तो ज्यादा मिलेगा, बताइए दिमाग लगाइए। इसमें एक स्टूडेंट को एवरेजन 2 से ज्यादा लड्डू मिलेंगे, और इसमें क्या होगा आधा से भी कम मिलेगा, यानी ये बड़ा है ना। अब ये किसकी वैल्यू थी भाई, 35 वाला किसकी वैल्यू था, 5/2 का था ना, 5/2 का क्या था, 35 वाला था, यानी ये क्या है बड़ा है। तो ये तरीका था करने का जो मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसे लगाओगे एग्जाम में, जैसे आप 7-8 में है तो कैसे करेंगे, हाँ मैं उसको भी बता देता हूँ। देखिए क्योंकि जो क्वेश्चन किए हैं बहुत ही मासूम से बच्चे हैं, इन लोग को अब ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये इतना गोचा पोचा करके लगा तो दिए, लेकिन अब इसको पेपर में कैसे करेंगे, है ना। तो ये देखिए 7/2 और 5/2, ये 3 था ना, हाँ ठीक है,
मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पेपर में भी करेंगे या कहीं भी, ये क्वेश्चन है आपको ऐसे लिखना है 7/3 और 5/2, और इसको आपको क्या करना है, इसके हर से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 14/6। इसमें आप 3 से गुणा करोगे ऊपर नीचे, देखिए कुछ भी हो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, चाहे सवाल दूसरा हो जाए या गुणा हम दूसरा कुछ से करें उससे हैरान मत होइएगा, ये तरीका बता रहा हूँ, सवाल बदल गया थोड़ा सा, है ना। तो ये हो जाएगा 5/15 और ये हो जाएगा 2/6। अब देखिए, अब आप कंपेयर कर सकते हो 14/6 और 15/6 में कौन बड़ा है। भाई 14 लड्डू में 6 बच्चों को बांटना है, 15 में 6 को बांटना है, इसमें ज्यादा मिलेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, ये बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन में मत लगा देना, यहाँ पर नीचे लिखेंगे ऐसे कंपेयरिंग, इंग्लिश में लिख लीजिएगा अपना सीबीएसई वाले जो है, कंपेयरिंग बोथ सेक्शंस, तो यहाँ लिखेंगे 14/6 और 15/6 इज ग्रेटर देन, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा सो 7/3 और 5/2 ऐसे लिख करके लिख दीजिएगा, 7/3 इज लेस देन 5/2, बस ये आंसर हो गया, समझ गए ना, ये कंपेयरिंग नंबर था। इसको कैसे करोगे, इसमें भी वैसे ही करना है, देखिए आपको इसको लिख लेना है 25/8, इसमें आपको 4 से मल्टीपल करना है नीचे ऊपर, ये -100 और ये 32 हो जाएगा, -9/4, इसमें 8 से करना है, आप जानते हैं कि दूसरे फ्रैक्शन के जो डेनोमिनेटर होता है उससे अगले वाले मल्टीपल करते हैं, तो ये हो जाएगा 9/8 = 72 और ये हो जाएगा 32। अब आप खुद कंपेयर कर लीजिए, निगेटिव दोनों है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, देखिए जो जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा, तो -100 है, ये -72 है, ये छोटा है क्योंकि ज्यादा माइनस है ये, समझ गए ना। यानी कि अब आप क्या करोगे, नीचे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ फ्रैक्शंस, तो आप लिखिएगा -100/32 और ये -72/32, तो ध्यान दीजिएगा -72/32 ज्यादा है, इज ग्रेटर देन -100/32, क्योंकि ये ज्यादा निगेटिव है, जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा नंबर छोटा हो जाता है, समझ गए ना। तो यहां पर आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे ऐसे -25/8 और -9/4, देखिए 9/4 इज ग्रेटर देन -25/8, समझ गए ना, तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी हैरानी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए, निसंकोच पूछिए, बिल्कुल पूछिए। और हाँ, जाने से पहले हम आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे मत जाइएगा छोड़कर। अगर आप रेगुलर क्लास देखना चाहते हैं और वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, मैथ आपको नहीं आती है, आपको बहुत सताती है, तो इस बीमारी का यहाँ पर गारंटी के साथ इलाज होता है, बस आपको आना है, इलाज के लिए क्या करना है, इस व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर पर JOIN ज्वाइन JLM मतलब जीरो लेवल मैथ लिख करके भेजना है, व्हाट्सएप पर क्लास ज्वाइन करना होगा, आपको कंप्लीट मैथ मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा, हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए 24/7 तत्पर रहेगी, बस आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर कोई समस्या है तो निसंकोच आप बोलिए। इसके अलावा फेसबुक पर अवश्य सर्च करें PVR Study, और PVR Study सर्च करके ऑफिशियल फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। अगर आप ये पेज लाइक करते हैं तो आपको PVR Study की ये सभी जो पेमेंट वाली क्लास है, पेड क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। हाँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सभी क्लास मिलेगी, नहीं तो फिर पेड कौन करेगा, कुछ क्लास आपको मिलेगी, तो फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करिएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने हमारे साथ 10 मिनट टाइम दिया, बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए आपका अपना PVR Study, कहीं से भी हो कभी भी। चलते हैं फिर, धन्यवाद फिर से एक बार।
सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और हाँ, किसी का भला हो जाए इसके लिए इसको अपने दोस्तों में या आपके जो व्हाट्सएप में ग्रुप है, फेसबुक पर, कहीं भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी यूज करते हैं सोशल साइटों पर अवश्य शेयर करिएगा। और इन्हीं बातों के साथ जाने का तो नहीं मन कर रहा, लेकिन फिर भी जाते हैं। धन्यवाद।